नमस्कार दोस्तों, भारतीय टीम इस समय टेस्ट क्रिकेट में काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रही है और दुनिया में भारतीय टीम को टक्कर देने वाली टीमें इस समय काफ़ी कम हैं। तो दोस्तों, इस समय भारतीय टीम का बोलबाला चल रहा है, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के बल्लेबाज इस समय काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं और कई रिकॉर्ड्स अपने नाम करते जा रहे हैं। तो दोस्तों, भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज मयंक अग्रवाल भी एक ऐसे रिकॉर्ड के पास है जो कि दोस्तों 24 साल हो गए उस रिकॉर्ड को बने हुए, लेकिन अब तक कोई रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया। तो दोस्तों, इसी रिकॉर्ड के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ पर मयंक अग्रवाल के रिकॉर्ड की, जो कि इस समय नाम है विनोद कांबली के, जिन्होंने सबसे तेज भारत की तरफ से टेस्ट में 1000 रन बनाए हैं। लेकिन दोस्तों, अब उस रिकॉर्ड के बिल्कुल पीछे लग चुके हैं मयंक अग्रवाल और भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले दूसरे टेस्ट मुकाबले में यह रिकॉर्ड मयंक अग्रवाल अपने नाम कर सकते हैं और 24 साल पुराने इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, मयंक अग्रवाल अब तक 8 टेस्ट मुकाबले खेल चुके हैं और इन 8 टेस्ट मुकाबलों में की 12 इनिंग में इन्होंने 858 बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 3 अर्धशतक लगाए हैं। लेकिन दोस्तों, इस समय मयंक अग्रवाल को चाहिए अब 142 रन और इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। लेकिन दोस्तों, इनके पास पारी बची हुई है सिर्फ एक। अगर ये 142 रनों की पारी खेल देते हैं तो फिर इस रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ये 2 पारियों में भी एक कारनामा करते हैं तो फिर विनोद कांबली की बराबरी जरूर कर लेंगे, क्योंकि विनोद कांबली ने बनाए थे 14 इनिंग में 1000 रन, जो कि बनाए थे 1994 में 12 मुकाबलों की 14 इनिंग में। इसके अलावा दोस्तों, चेतेश्वर पुजारा हैं 18 इनिंग्स में, सुनील गावस्कर है 21 इनिंग में, संजय मांजरेकर 23, राहुल द्रविड़ 23, सौरव गांगुली 23, वीरेंद्र सहवाग 24 और विजय हजारे 25, सुनील पाटिल 25 और मोहम्मद अजरुद्दीन भी 25 इनिंग में ये कारनामा कर पाए हैं। तो दोस्तों, इस समय बिल्कुल इस रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब है मयंक अग्रवाल। अगर दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी शानदार पारी खेलते तो ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या मयंक अग्रवाल इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का।